ओके तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और फैक्ट वीडियो। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो है, तो लेक्चर को ध्यान से सुनना। तो देखो, आज का आपका टॉपिक है कि जब आप टॉयलेट करते हो तो वहां पे चींटियां क्यों अट्रैक्ट हो जाती है, एंट्स क्यों वहां पे अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। तो देखो, इसके दो रीजन है। पहला रीजन, डायबिटीज मेलाइटस। सब जानते हैं कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है डायबिटीज कंडीशन में, ठीक है। और बॉडी में ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा तो हमारी किडनी जो बैक साइड सिचुएटेड है, ये किडनी ब्लड का फिल्ट्रेशन करती है और यूरिन बनाती है। जब ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा तो यूरिन में भी ग्लूकोज ज्यादा, और जब आप टॉयलेट करोगे तो उसमें भी ग्लूकोज ज्यादा, और ग्लूकोज ज्यादा तो वहां पे चींटियां आती है। जनरली ये पहला रीजन जो है सबको पता होता है कि डायबिटिक पेशेंट जब टॉयलेट करता है तो उसके टॉयलेट में ग्लूकोज बहुत ज्यादा रहता है, इसकी वजह से वहां पे चींटियां आना शुरू हो जाती है। ये तो था पहला रीजन। पर अब दूसरा रीजन जो किसी को नहीं पता होता, वो ध्यान से सुनना आप। तो दूसरा रीजन सुनने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनो आप, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि डायबिटिक पेशेंट के टॉयलेट में ग्लूकोज ज्यादा रहता है, तो मैंने सोचा यार क्यों ना घर बैठे डायबिटीज का टेस्ट किया जाए। मैं गया वॉशरूम, मैंने करा टॉयलेट, ठीक है, क्योंकि मेरा ब्लैडर जो है भरा रहा था, मैंने मस्त करा टॉयलेट। उसके बाद मैंने पानी नहीं डाला, मैंने सोचा यार देखता हूँ क्या यहाँ पे एंट्स अट्रैक्ट होती है या नहीं, चींटियाँ यहाँ पे आती है या नहीं। थोड़ी देर बाद मैं गया, आधे घंटे बाद, तो वहाँ पे चींटियाँ हो गई थी। फिर मैं तो सदमे में आ गया, यार मैंने कहा मेरे को डायबिटीज? ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कैसा है, होता क्या है, हमारे जो यूरिन में इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं बहुत सारे, जैसे कैल्शियम, फॉस्फेट, ठीक है, क्रिएटिनाइन, यूरिया, तो इनसे इनको खाने के लिए एंट्स जो है वहां पे अट्रैक्ट हो जाती है, आ जाती है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपके टॉयलेट के आसपास चींटी आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायबिटीज है। इसलिए अब हम डायबिटीज के लिए फास्टिंग टेस्ट, नॉन फास्टिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ये था आज का आपका फैक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अब हम क्यों डायबिटीज के लिए यूरिन टेस्ट को प्रिफर नहीं करते, ठीक है। तो ऐसी और फैक्ट वीडियो के लिए आप बने रहिए, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। थैंक यू।